अपना परिचय दें पहले। नमस्ते, मैं नैनीश्वर देवगढ़ी नासिक से। इस फार्म के बारे में कुछ हमें जानकारी साझा करें आप। मैं 4 साल से पालेकर कृषि करता हूँ और हमने अभी ये सुभाष पालेकर कृषि में 15 गुंठा में केले का फसल लगाया हुआ है। अभी तो इसका 1 महीने का भी ये फसल हुआ है, अभी ये निकलना चालू हो जाएगा। इसमें हमने वही बेड पे अंतर फसल में गाजर लगाया हुआ है और उसमें सब फसल में मेथी डाला हुआ है, धनिया लगाया हुआ है और ये स्वीटकॉर्न मक्का लगाया हुआ है। और ये 3 फीट का बेड बना है और ये केला हमने 6x5 फीट पे लगाया हुआ है और उसके बीच में जो 3 फीट का दूसरा बेड है उसमें हमने अभी वाटर मिलन लगाया हुआ है वो 1 फीट 4 इंच पे, और उसमें भी सब फसल लगाया है मिर्च का, और उसमें हमने धनिया भी डाला है, मेथी भी डाला है और पालक भी डाला है और मोरी भी डाला, सरसों भी डाला हुआ है उसमें। तो अभी ये 28 दिन का प्लॉट हुआ है, अभी इसका 2 फीट का बेली चालू हुआ है, अभी इसको फूल लगना चालू हो गया है। इसको वाटर मिलन को 4थे या 5वें पान पे लगता, जो मेन टहनी रहती उसमें 4थे या 5वें पान पे उसको फूल लगता है। अभी देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, अभी ये इधर फूल निकलेगा इसको, और ये चौथा या पांचवा ही सेट होगा। उसके बाद उसके पीछे नहीं सेट होता है, और जितने पीछे सेट होगा उतना फल ज़्यादा बड़ा होगा, जितना आगे जाएगा वो फल बड़ा होने में थोड़ा सा उसको तकलीफ ही होती है, वो थोड़ा सा छोटा ही रहता है। तो इस बेड की, इस फार्म की तैयारी कैसे करी है आपने? पहले हमने वो 3 फीट पे ट्रैक्टर से बेड बना लिए, उसके बाद 6x5 पे 1x1 का गड्ढा बना लिया, उसमें केला लगाया और उसके बीच में गाजर डाल दिया, और फिर इसको यही बेड में हमने मेथी, धनिया और पालक, सरसों मिक्स करके पहले डाल दिया, उसके बाद अच्छा ढंग किया, और अच्छा ढंग करने के बाद हमने उसमें वाटर मिलन और मिर्च लगाया हुआ है। अभी हम देख सकते हैं वापस बनती है पानी भी, ये देखो ये रूट देखो इसका, ये वाइट वाला, इससे अच्छा ढंग से पानी भी कम लगता है और फसल भी अच्छा ढंग ज़्यादा हुआ फसल अच्छी आती है। इसको आपने स्प्रेइंग के लिए या जमीन पे क्या दे रहे हैं? स्प्रेइंग के लिए इसको जीवामृत का 4थे दिन से स्टार्ट किया था, 3रे दिन ही उसका पहला 2 किलो गुड़, 5 लीटर गोमित्र और 5 लीटर छास, 200 लीटर पानी में मिला के इसको ड्रिचिंग किया था कि बुरशी का कोई अटैक ना हो, और गुड़ इसलिए डालते कि उसका जड़े सही से बढ़ पाए। उसके बाद उसको 5वें दिन से जीवामृत चालू कर दिया, हफ्ते में 1 बार देते और स्प्रे ऊपर से 1 बार करते, और अग्नियास्त्र का स्प्रे 2 बार करना पड़ता है। ये साल थोड़ा सा काला थ्रिप्स का मिर्च पे अटैक ज़्यादा था और इस पर भी, इसलिए नीम ऑयल का और अग्नियास्त्र का हफ्ते में 2 बार यूज़ करते, 1 बार नीम ऑयल 10 दिन में 1 बार करते और बीच में 2 बार अग्नियास्त्र का। इसका अटैक ये साल ज़्यादा था ये काला इस पर, तो इसलिए थोड़ा सा अग्नियास्त्र का स्प्रे ज़्यादा कर रहे हैं इसमें। ये प्लॉट कितने, क्या साइज का है? अभी ये आज 28 आदि है इसका, और ये जो आपने सब्जियां और अंतर फसल ली हैं तो इनके उत्पादन आप कब से उम्मीद कर रहे हैं कि अब से आपको मिलने लग जाएगा? ये वाटर मिलन 70 दिन का होगा तो निकल जाएगा, 30.5 दिन से मिर्च का उत्पादन चालू हो जाएगा, 90 दिन से गाजर का चालू हो जाएगा, तब तक अपना ये मेथी वगैरह निकाल लेंगे, और मक्के का 100 दिन के बाद आएगा स्वीटकॉर्न मक्का। अच्छा, एक मक्के को 2 भुट्टा लगता है उसमें। तो आपको ये खेत डेवलप करने में कितने लेबर्स की जरूरत पड़ी थी? वैसे लेबर का क्या है, हर रोज का काम रहता थोड़ा थोड़ा, पूरा दिन में नहीं, तो अभी ऐसे समझो कि अभी 28 दिन में इसको कम से कम 15 लेबर लग गए टोटल पकड़े तो। 15 लेबर? हाँ ठीक है। तो यहाँ से आप टोटल प्रोडक्शन की क्या उम्मीद करते हो? इसमें अभी 15 गुंठा में कम से कम मुझे वाटर मिलन और मिर्च का 3 लाख रुपये मिलना चाहिए, सब फसल का 3-3.5 लाख रुपये मिलना चाहिए। कितने समय में? वो 2.5 महीने में। 2.5 महीने में 3 से 2.5 महीने में मुझे 2 लाख रुपये मिल जाएंगे वाटर मिलन के और मिर्च के, और मिर्च के बाद में चालू रहेंगे जी। तो ये तो बहुत ही आकर्षक उत्पादन क्षमता है जो एक साधारण किसान नहीं ले पाता अपनी ज़मीन से। उसके बाद हम यही बेड़ पे सुरन लगाए बारिश के टाइम में, सुरन मिर्च, अभी वाटर मिलन खत्म होने के बाद मिर्च रहेगी तो भी हम इसमें सुरन लगा देंगे बारिश के टाइम में, और अपना केला 1 साल के बाद उत्पादन देना चालू कर दिए।
केला तो अपना 1 साल में मिलेगा, लेकिन 1 साल तक राह देखने की जरूरत नहीं एक है, साल तक तब उसमें तक आप कम बीच में या अंतर फसल में से ही इनको कम से कम कम से एक कम साल तीन में अंतर फसल में से हमको 8 या 9 लाख रुपए 15 क्विंटल में मिलना चाहिए। सही, क्या बात है, तो केला तो बहुत। बोनस रहेगा फिर। केला तो ऐसा है कि मैंने ऐसा पकड़े हम 50 रुपए से साल भर बेचते हैं, तो मुझे महीने का कम से कम एक केले से 40,000 रुपये तो भी आना मांगते हैं, तो पूरे साल का मुझे 4 लाख रुपये ये भी बनेगा केले का बात चालू होने के बाद। बहुत बढ़िया जानकारी साझा करी आपने दानेश्वर भाई, ये भारत के कई किसानों को एक अलग राह दिखाएगा। आप अपना नंबर भी शेयर करें, कोई किसान भाई आपसे संपर्क करना चाहे तो। मेरा मोबाइल नंबर है 9763796874। अच्छा, जाते जाते आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, कोई संदेश भारत देश के किसानों को देना चाहेंगे आप? देखो, आपको अगर सुभाष पालेकर कृषि करना है या फिर 1 एकड़ में आपको कम जमीन में अगर ज़्यादा उत्पाद लेना है तो आपको सुभाष पालेकर कृषि करना पड़ेगा, और उसमें आपको अंतर फसल ज़्यादा लेना पड़ेगा, एक ही फसल पे डिपेंड नहीं कर रहना पड़ेगा। क्या होता है केमिकल में आप ज़्यादा फसल एक साथ नहीं ले सकते, क्योंकि इस पे अटैक हो जाता है, तो उसको इस पे अगर डाउनी मिलूडिया भूरी मिलूडी आ जाए पाउडरी मिलूडी, तो इस पे भी मिर्च पे भी अटैक हो सकता है, लेकिन हमारे इसमें क्या रहता है उसमें ये अटैक कम हो जाता है। सब फसल आएगी ना, ज़्यादा रहेगी ना, तभी ये पालेकर कृषि अच्छी तरह से सफल हो जाती है। जितना फसल ज़्यादा उस उतना उत्पाद भी ज़्यादा और फसल भी अच्छी आती, कीटक भी कम आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।